अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उनको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या उनके पास लैपटॉप ज़रूरी होना चाहिए या नहीं, और जिनके पास नहीं होगा उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लैपटॉप वगैरह मतलब बाय नहीं कर सकते, तो वो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेते हैं तो क्या उनको लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मतलब कुछ ऐसी डिग्रियां जिसमें मतलब लैपटॉप जरूरी नहीं है, अब जिनमें जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। CS IT सॉफ्टवेयर में, ये ऐसी डिग्रीज हैं जिनका काम ही मेन लैपटॉप से है। अगर आपने इस डिग्री में एडमिशन लेना है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आपको लैपटॉप तो बाई करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप बाई नहीं करते तो आप अपनी क्लास के अंदर पीछे रह जाते हो और मतलब आपको मतलब आप वहाँ से कुछ सीख भी नहीं पाओगे। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप CS IT सॉफ्टवेयर में इन डिग्रीज में मतलब पढ़ सकते हो और इसमें आगे स्टडी कंटिन्यू ठीक तरह कर सकते हैं। आपको स्किल वगैरह भी इसमें आ जाएगी, कोडिंग वगैरह जो भी करनी होती है वो CS IT में करनी होती है लैपटॉप के ऊपर। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर आप इस डिग्री को ना लें, अगर लैपटॉप आप ले सकते हैं तो फिर इस डिग्री में एडमिशन लें। बाकी अदरवाइज और भी जितने भी डिग्रीज हैं उनको देखा जाए तो उनमें कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत होती है। हमारी मैकेनिकल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो हमने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके वर्क करने थे। अब मैथ्स कम्युनिकेशन में भी लैपटॉप की ज़रूरत होती है। मल्टीमीडिया एक डिग्री है साडा ब्लॉक में, वहाँ पर भी लैपटॉप की ज़रूरत होती है जिसमें वीडियोज़ वगैरह एडिट करनी होती है। तो इन डिग्रीज में आपको लैपटॉप की ज़रूरत हो सकती है, और अगर आपके पास लैपटॉप ना भी हो तो आप फ्रेंड वगैरह के लेके कर सकते हैं। लेकिन CS IT सॉफ्टवेयर में इसके लिए आपको अपना पर्सनल लैपटॉप होना ज़रूरी है। बाकी जितने भी डिग्रीज हैं उसमें मेन चीज़ यही होती है कि एक तो आपने LMS का रिजल्ट देखना था, वो मोबाइल पे भी आपको शो हो जाता है। MS Word पे आपको टीचर्स असाइनमेंट्स देती हैं, वो असाइनमेंट्स आपने MS Word पे ऑफिस पे उसके बाद पावर पॉइंट पे एक्सेल पे आपको जो भी काम मिले वो आपने बनाना होता है। प्रेजेंटेशन आपको मिली हो पावर पॉइंट पे आपने बनानी होती है, तो उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप अपने फ्रेंड से लेके, अगर आपको फ्रेंड देने वाला अच्छा फ्रेंड है तो वो आपको फ्रेंड वगैरह से मिलकर आप कर सकती हैं। लेकिन CS IT सॉफ्टवेयर के लिए आपका लैपटॉप ज़रूरी है और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में यह बताना था जिनके पास लैपटॉप नहीं है क्या उनको इस डिग्रीज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। उम सब आपको आइडिया हो गया होगा। फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।